बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। मध्य प्रदेश के 3 पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक दिया जाएगा। 4 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक का ऐलान किया गया है। 19 अधिकारी कर्मचारी को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है, हॉक फोर्स निरीक्षक अंशुमान सिंह चौहान को वीरता पदक दिया जाएगा। प्रधान आरक्षक अतुल कुमार शुक्ला को भी वीरता पदक मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कई और अफसर हैं जिन्हें इन पदकों से नवाजा जाएगा। प्रधान आरक्षक मनोज कुमार कापसे को भी वीरता पदक मिलेगा। डीजीपी ने 3 पुलिस अधिकारियों को बधाई दी है। 4 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा सम्मान दिया जाएगा। 19 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक की भी घोषणा की गई है। एडीजी मोहम्मद शाहिद अफसार, एडीजी योगेश चौधरी, डिप्टी कमांडेंट भारत भूषण राय और निरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरी को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। और जो अधिकारी जिन्हें सराहनीय सेवा पदक मिलने वाला है वो नाम भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, न्यूज़र शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, जो नामों की घोषणा की गई है, बड़े नाम मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। 3 पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक दिया जाना, इसके साथ ही और भी कई नामों का गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक बड़ा भावुक पल होता है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे तो हमारी खाकी वर्दी में सजे ये जो पुलिस के अधिकारी और जवान होते हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर इनकी शहादत अगर आप हर साल के आंकड़े उठाएं, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट या खासा अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि इनकी शहादत की खबरें वैसी मीडिया या समाज में नहीं जा पाती हैं जैसी कि सीमा पर। हालांकि शहादत शहादत है, उसकी कोई तुलना हम ना कभी कर सकते हैं ना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी पुलिस का ये योगदान कहीं ना कहीं पीछे छिपता है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 3 पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक दिए हैं। हॉक फोर्स जो नक्सलियों के खिलाफ गठित है, अंशुमान सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अतुल कुमार शुक्ला और प्रधान आरक्षक मनोज कुमार कापसे को ये सम्मान मिला है मध्य प्रदेश में। और 30 नवंबर 2022 को नक्सल विरोधी अभियान में इन लोगों ने बालाघाट जिले में सूपथार वन रेंज में बड़ा जबरदस्त काम किया था और वहां पर 29 लाख के इनामी डीवीसीएम गणेश और केबी डिवीजन भोरमदेव एरिया कमेटी के 20 लाख के इनामी नक्सली राजेश और नंदा वंजाम को धराशायी किया था। तो निश्चित तौर पर आप जान जोखिम में डालकर घने वनांचल में नक्सलियों से भिड़ंत लेते हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश के करीब 2 दर्जन अधिकारियों को जो ये पुरस्कार मिला है, ये बताता है कि हमारे ये अधिकारी कर्मचारी पूरी जाबाजी से अपने मोर्चे पर तैनात हैं और अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। इन सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश